शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वो रहने वाली बाबूजी, कितना अपना अपना सपन लगता है ना। विजय भी होता तो कितना अच्छा लगता। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया हो। एक्सक्यूज मी सर। या सर, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए और इन पेपर्स पे आपकी साइन चाहिए। अच्छा, जो फाइल साइन करवानी है वो पापा के कैबिन में रख दो। जो डॉक्यूमेंट्स है मुझे दे दो, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, तुम लोग अपना अपना काम देखो, मैं बबलू को अपना ऑफिस दिखाता हूँ। जी दादाजी। हाँ बेटा। आओ बेटा, ये देखो, ये रहा हमारा ऑफिस। बबलू बेटा, मैंने बरसों से एक सपना देखा था, मेरा सबसे लायक बेटा चेयरमैन बनेगा। आज से तुम पराशर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हो। लेकिन बाबूजी, बड़ा तो मैं हूं, चेयरमैनशिप मुझे मिलनी चाहिए। अरे बड़ा होने से क्या होता है, लियाकत होनी चाहिए। देखिए, बिजनेस की सारी समझ मुझे है, ये चेयरमैनशिप मुझे मिलनी चाहिए। हाँ दादाजी, चेयरमैनशिप हमारे परिवार को ही मिलना चाहिए। बस, मैं अपने फैसले के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। मेरी नजरों में सबसे लायक मेरा बेटा बबलू, और सिर्फ बबलू है। तुम सब तो नालायक हो। चल बबलू, आ बेटा बैठ जा इस कुर्सी पर, इसकी शान बढ़ा। आज से ये पराशर अंपायर मैं तेरे हवाले करता हूं। बबलू बेटा। हाँ 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 बाबूजी। क्या हुआ? नहीं बाबूजी, वो जिम्मेदारियों के बारे में सोचा था, इतना बड़ा ऑफिस है ना, इतना काम होगा तो। चलो चल के। इंडिया में तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, अमेरिका में हम सुबह सुबह काम शुरू कर देते हैं। We believe, work hard, party hard. And what is this, Soumya? There's no data on the computer. Data है, और उसे एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है, और वो पासवर्ड मेरे पास है। अगर आपको किसी भी फाइल को एक्सेस करने की जरूरत है तो मुझे कहिएगा। हाँ तो बेहतर होगा कि वो पासवर्ड मुझे भी बता दो। आफ्टर ऑल, बाबूजी के बाद मैं ही यहां पर सबसे बड़ा हूं। आई मस्ट नो द पासवर्ड। अबे अच्छा लगा मुझे,
अबे मुझे बहुत अच्छा लगा बेटे ये देख करके तुमने अपने बड़े भाई को अपनी कुर्सी देकर उसका मान बढ़ाया। और विजय तुम पहले ही दिन ऑफिस में सबसे पहले आए, उससे पहले काम शुरू किया, गुड। बस बाबूजी आदत है, बैठिए ना। नहीं बेटा, हम सब यहाँ बराबर हैं, टीम का एक हिस्सा है बेटे। अब तुम सब लोग खड़े हो तो मैं कैसे बैठूं? हाँ, मैंने ऑफिस का एक नया डिजाइन बनवाया है, कॉन्फ्रेंस रूम में आओ दिखाता हूँ। सालों में रोज देखो कुछ ना कुछ नया पहना होता है। बिजनेस से पैसे निकाल निकाल कर ज्वेलरी पर खर्च किए जा रहे हैं। निर्मला, मैं जानती हूँ मैगजीन पढ़ने का तो बहाना चल रहा है, वैसे आंखें मेरी ज्वेलरी पर टिकी हुई है। चल रही है ना? चलो चलो, खूब चलो। अब तुम्हारी जलन की वजह से मैं ये गहने पहनना तो नहीं छोड़ दूंगी ना। चलो। पता नहीं मैं आई क्यों हूँ, मेरा बस चले तो मैं दोनों की शक्ल ही ना देखूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। Tell me something, कामी। परी तुम्हारी चॉइस थी या फिर सौम्या की? I mean to say, सौम्या और परी की लव मैरिज हुई थी या फिर अरेंज? हाँ भाभी, मैं भी यही पूछना चाहती थी, अरेंज थी कि लव? वैसे भी जब तक हमें इनविटेशन मिला तब तक तो बहुत देर हो गई थी। काम्या भाभी तो सौम्य और परी के फेरे कराकर उन्हें घर भी ले आई थी, है ना? सब कुछ कितनी जल्दबाजी में हुआ, इतनी जल्दबाजी में हुआ कि क्या बताएं कि कितनी। I know. Tell me, काम्या, was it love or arranged? Actually, I think it must have been a love marriage. क्योंकि तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ काम्या, अगर तुम एक जूता भी खरीदती हो तो उसे 100 बार चेक करती हो, यू आर सच अ परफेक्शनिस्ट। तो परी तुम्हारी चॉइस नहीं हो सकती। क्या है ना शैली भाभी, मैंने सुना था अबे भाई साहब कह रहे थे कि वो लोग परी को देखने गए थे, यानी कि सौम्य उसे पहले से नहीं जानता था, है ना काम्या भाभी? हाँ, परी और सौम्य की अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज? ओह गॉड, डोंट टेल मी। आई मीन तुमने परी को देखा नहीं काम्या? आई मीन आई नो शी इज क्वाइट अ स्वीट गर्ल, बट तुमने भाभी छोड़िए ना, अब अपनी हो गई है तो उसकी हर बात हमें अच्छी लगेगी ही ना। वैसे भी परी में कोई बात तो जरूर है, तभी तो आपने उसे सौम्य के लिए पसंद किया है। मैं ठीक कह रही हूँ ना काम्या भाभी? हाँ निर्मला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। परी को देखते ही मैंने तय कर लिया था कि मेरी बहू सिर्फ परी होगी। मेरी परी के सुंदर मन को देखने के लिए नजरें चाहिए जो सबके पास नहीं होती। मेरी परी लाखों में एक है। Thank you.
चाची जी, आपके कपड़े धुलवा के आपके कमरे में रखवा दिए। ओहो, उसमें तो मेरी वो फेवरेट साड़ी है, वो पाउडर वाली। वो मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दी है। सो स्वीट। सच में काम्या भाभी, हमारी बहू ना इतनी समझदार है, इतनी समझदार है, इतनी समझदार है कि क्या बताऊं कि कितनी समझदार है। ताई जी, आपको रात को डिनर पे जाना है ना, इसलिए ड्राइवर को रुकने के लिए कहती है। Oh my God, that's so sweet, Pari. You're such a darling. काम्या, मुझे भी परी जैसी बहू ढूंढ तो। परी, मुझे एक्चुअली अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है, मुझे हेल्प कर दोगी? आपको जब हेल्प चाहिए मुझे बुलवा लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। सच में काम्या भाभी, हमारी बहू इतनी समझदार है, इतनी समझदार है, इतनी समझदार है कि क्या बताऊं कि कितनी समझदार है। हाँ, तो ये है हमारे नए ऑफिस का पकोड़े आ रहे हैं। नए ऑफिस का प्लान विजय, मैंने ये केबिन तुम्हारे लिए रखा है और अभय के लिए ये केबिन है। संजय बबलू, तुम्हारा केबिन ये रहेगा। हाँ, महाभारत में भी पढ़ा है और वास्तु के मुताबिक उत्तर में सच्चाई पनपती है, दक्षिण में यश, पूरब दिशा लंबी उम्र की कारक है और पश्चिम में लक्ष्मी जी विराजती है। बाबूजी के प्लान के मुताबिक मेरा केबिन पश्चिम दिशा में पड़ता है, यानी लक्ष्मी जी मेरे अंग मंग रहेंगी, पैसा ही पैसा होगा। मतलब चेयरमैन कौन? संजय पराशर। ये केबिन सौम्य का, और ये समीर का। दादी, मुझे ये वाला केबिन नहीं, मुझे ये वाला केबिन चाहिए, सौम्य वाला। ये जी। क्या हुआ? Did I say something funny? नहीं बेटा, तुमने कुछ भी फनी बात नहीं की है। मैं जानता था तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने पहले ही इन दोनों कैबिन को अदल बदल कर बताया था बेटा। असल में ये कैबिन जो मैंने सौम्य का बताया था, उसका नहीं, तुम्हारा ही है। सबीर बेटा, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को चेंज करो, बदलो बेटा, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए, हम सब के लिए, तुम्हारे लिए भी। उठो और किचन में आकर मरो। अरे, नाश्ता बनाने की ड्यूटी बाबूजी ने मुझे क्यों दी? अब सुबह सुबह कोई कैसे सोच सकता है कि क्या बनाना है, चीजें कहां पड़ी, अरे मुझे क्या पता। मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ, मैं कर लेती हूँ, दीजिए। नहीं मम्मी जी, वैसे मम्मी जी बनाना क्या है? मैं सोच रही थी कि आज नाश्ते में उपमा, चीज सैंडविच और बादाम का हलवा, लेकिन देखो ना, मुझे पता ही नहीं कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। आप क्यों चिंता कर रही हैं?
वैसे मेरी मदद की कुछ जरूरत हो तो? नहीं मम्मी जी, कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बात कहो, आपने जो ताई जी और चाची जी को मेरे बारे में कहा, सुन के बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू जो आप मुझे अपना काम करने का मौका दे रही हैं। तुम्हें अगर मेरी कोई मदद की जरूरत है तो मैं तैयार होकर आती हूँ। जी जी जी। सास बहु रानी की अब लगेगी क्लास, दिन रात सबकी वो सेवा करेगी, सेवा कर कर के वो मरती रहेगी। एक नहीं दो नहीं तीन तीन सास। तैयार है? जी मम्मी जी, आप इसे टेस्ट कर लीजिए, बताइए ठीक बना या नहीं। ठीक है, थैंक यू। आप थैंक यू क्यों कह रही हैं, बल्कि मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए जो आपने अपना पन जताकर मुझे आपका काम करने का मौका दिया। बस यूं ही अपना पन जताती रहिएगा। आप मम्मी जी सब तैयार है, मैं टेबल लगा दूँ? हाँ टेबल लगा रहा था। परी, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें अपना समझूं, तुम पर अपना हक जताऊं? जी मम्मी जी। तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कहिए ना। देखो परी, अब इस घर में सिर्फ हम नहीं, कुछ और लोग भी आ गए हैं रहने के लिए, लेकिन हम एक हैं, हम एक परिवार है। तुम मेरी बहू हो, वो लोग हमारे नहीं है, वो बाहर वाले हैं। इसलिए मैं तुम्हारी सास होने के नाते एक बात तुमसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि तुम शैली भाभी या निर्मला की किसी भी काम में कोई मदद नहीं करोगी। वो लोग हमारे अपने नहीं हैं, इसलिए उनसे रिश्ता बनाने की या उनके नज़दीक जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उन्हें यह एहसास दिलाना है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं जरूरी हूँ, मैं तुम्हारी सास, बस। लेकिन मम्मी जी। लेकिन क्या परी, अब किसी बात का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जो मैंने तुम्हें कहा है उसे समझो। मम्मी जी, वो सब इसी परिवार का हिस्सा है, हमारे अपने हैं। नहीं, वो लोग हमारे अपने नहीं हैं, और तुम उन्हें अपने बनाने की कोशिश करोगी भी नहीं। वैसे तुम अपने बराई की चिंता क्यों कर रही हो? तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। अगर किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन मम्मी जी। लेकिन मैंने कहा ना परी, किसी बात का कोई सवाल नहीं पैदा होता। देखो अब तय तो तुम्हें ही करना है, या तो तुम दूसरों की मदद करो और अपनी सास से दूर हो जाओ, या तुम वही करो जो मैं तुमसे कहती हूँ और दूसरों को यह दिखा दो कि हम एक हैं। अगर तुमने उन दूसरों की मदद करने की कोशिश की तो तुम अपनी सास को हमेशा के लिए खो दोगे। फैसला तुम पर है।